ये बात है उस जमाने की। अच्छा तो दोस्तों यार, आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में कार्टून तो देखा ही होगा। देखा क्या होगा भाई, सब देखते हैं। आज के समय में तो छोटा बच्चा भी फोन लेके हाथ में बस ये बोल देता है कार्टून। इतना ज्ञान के पास कहां से आया है, मुझे तो सच में ही समझ में नहीं आता। आजकल के बच्चे तो भाई हमसे तो लाख गुना तेज है, सब कुछ जानते हैं। पर इन बातों को यार छोड़ते हैं, ये फालतू की बातें, और फालतू की बातें मैं बिल्कुल नहीं करता। नौ 10 साल के थे तो हमें भी कार्टून देखना पसंद था। और दोस्तों यार, मैं जब स्कूल जाता था तो मैं बस एक ही चीज दिमाग में लेके जाता था कि मुझे बस स्कूल की छुट्टी होगी, बाहर निकलना है, रास्तों पे दौड़ना है और अपने घर पर आके सीधा रुकना है, न इधर न उधर, न दाएं न बाएं, बस मुझे अपना घर और मुझे अपने घर की में रखी हुई टीवी याद आती थी। तो दोस्तों यार, मैं फटाफट से यार भागता था और अपने घर पे आ जाता था और सीधा मेरी हाथ जाती थी टीवी को चालू करने, और उससे पहले मेरे मुंह पे आता था चप्पल, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म तक नहीं बदलता था। और चीटिंग चीटिंग, तो मुझे भाई इसीलिए चप्पल पड़ती थी कि यूनिफॉर्म तो पहले बदल ले। तो उसके बाद में फटाफट से भाई यूनिफॉर्म बदलता था और उसके बाद भाई मैं टीवी चालू कर देता था और लगा देता था पोगो, नहीं तो फिर नेक, नहीं तो फिर कार्टून नेटवर्क, और उसके बाद चला जाता था या तो डोरेमोन या तो फिर बेबलेट या फिर पोकेमोन या फिर डोरेमोन, कुछ भी लगा देता था भाई जो बेस्ट हो मतलब। और मैं देखने लग जाता था भाई, बहुत ही ज्यादा इंजॉय करता था। आप भी करते होगे हो सकता है। तो मैं वैसे सोच बताऊं तो यार काफी सारे बंदे ऐसे करते होंगे, या अगर आप करते होगे यार तो कमेंट में बता देना। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं बोलता नहीं हूं बट स्टिल बोलना पड़ रहा है आज। तो भाई साहब यार, ऐसा ही कुछ मेरे साथ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी कि जो उसके अंदर चीज मैं देखता था कार्टून में, वो मैं सोचता था कि रियल लाइफ में भी होते हैं। जैसे वो बेन 10 की और डोरेमोन की पॉकेट और बेबलेट वगैरह। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाता था और बोलता था कि प्लीज मुझे मुझे बेबलेट दिला दो, मुझे स्पिनर दिला दो, या फिर मुझे बेन 10 की वॉच दिला दो। पर मेरी मम्मी पता क्या कहती थी, मेरे पास पहले से एक वॉच है, दूसरे का क्या करेगा। और अगर मैं ज्यादा बोलता था नहीं 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 ये मुझे चाहिए, तो कुछ नहीं, मेरे मुँह पे चप्पल जाना था। फिर मैं बस यही बोलता था ठीक है। और उसके साथ ही भाई बहुत सारी चीजें मैं रियल लाइफ में करता था। जैसे कि उदाहरण के लिए, मैंने कई बार बालवीर देखा है तो उनको रियल लाइफ में मैंने उतारने की कोशिश की है। मैंने स्पाइडरमैन देखा है तो मैंने उसको अपनी रियल लाइफ में उतारने की कोशिश की है। कैसा लगा मेरा मजाक भाई साहब, मैं नई नई चीजें खरीद के अपने स्कूल में ले जाता था और बच्चों को चलाता था कि भाई साहब देखो मेरे पास तो नई वॉच है, मेरे पास तो ये है, बेन 10 का वो है। अच्छा, जब हम स्कूल में होते थे तो हमें ज्योमेट्री बॉक्स जरूर खरीदना होता था। तो हम ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने के लिए जाते थे, तो वहां पर भाई साहब हम वही ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे जिन पे हमारे जो हम कार्टून देखते हैं उनकी फोटो लगी हो, तभी हम वो ज्योमेट्री बॉक्स लेते थे। अदरवाइज हम वैसे आलतू फालतू वाले ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेते थे जिनके ऊपर कुछ भी लगाया हुआ हो। तो वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। शायद वो भी आपकी भी मेमोरीज हो सकती हैं, तो आप ज़रूर आप बता सकते हो हमें। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियोस में। तो टेक केयर एंड सी यू सून, और जल्द मिलते हैं। भाई साहब मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे गलत सीन हुए हैं जो मैं लिटरली बता नहीं सकता हूँ, पर आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपकी जो स्टोरी है अपने में ऐड कर लूँगा ताकि मुझे भी मज़ा आ सके। स्टोरी पढ़ के बहुत अच्छा लगता है यार।